सिल्कियारा टनल बनने से दूरी 20 किलोमीटर कम हो जाएगी और कम से कम एक घंटे की बचत होगी और साथ में ट्रैफिक जैम भी कम होगा और यात्री और स्थानीय लोग पूरे साल सफर कर सकेंगे। लेकिन पहले इंजीनियर्स को हिमालय की अनोखी चट्टानों का सामना करना होगा। फाइलाइट एक नर्म और महीन दानेदार चट्टान होती है जो लगातार बढ़ रहे हिमालय में हर जगह में है। ऐसी चट्टान जो थोड़ी सी छेड़छाड़ होने पर आसानी से टूट जाती है। यहां सुरंग बनाने वाले दल को लगभग 90% फाइलाइट निकालनी पड़ी। हम जिस तरह का काम कर रहे हैं उसमें ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये चट्टानें किस तरह की होंगी, क्योंकि यहाँ बहुत हलचल होती है। तो फाइलाइट एक तरह से परिवर्तित हो चुकी नर्म चट्टान होती है, तो फाइलाइट में सुरंग बनाते वक्त चट्टान के ढहने का खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसे में उसे बाहरी सपोर्ट चाहिए जैसे रेडिस गर्डर और एडिशनल स्ट्रक्चरल डिप सपोर्ट। हर विस्फोट के बाद निर्माण दल टनल की दीवारों को शॉटक्रीट से ढक देते हैं। फिर ये दल इस्तेमाल करता है एक खास चीज, रॉक बोल्ट्स। ऊपर लगी परत के ऊपर पड़ने वाले वजन को सतह में बहुत गहराई में छिपी मजबूत चट्टान तक स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। यहाँ दल ने लंबे रॉक बोल्ट्स का इस्तेमाल किया है जिनके बीच बहुत कम दूरी है, ताकि हिमालय की चट्टाने हिमालय में बन रही इंजीनियरिंग की इस मिसाल को सहारा दे सके। हमने चट्टान के अंदर होने वाली हलचल को समझने के लिए बहुत सारे सेंसर्स भी लगाए हैं। हम लगातार टनल के अंदर होने वाली हलचल पर नजर रखते हैं। हम टनल के अंदर लगी ऊपरी परत को ढहने नहीं देते, क्योंकि उसकी वजह से सामान, इंसानों और मशीनों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। सुरक्षा की पहली परत लगाने के बाद निर्माण दल टनल के अंदर एक खास कंक्रीट की 400 मिलीमीटर मोटी परत लगाता है। पूरा होने पर सिल्कियारा टनल वो पहली टनल होगी जिसमें मिस्ट कंट्रोल्ड फायर सप्रेशन सिस्टम होगा, जिसे सिर्फ 5 मिनट में आग पर काबू पाने के लिए बनाया गया है। सिल्कियारा में इंजीनियरिंग की ये मिसाल नए मानक तय कर रही है सुरक्षित इंफ्रा निर्माण के हिमालय के विरल वातावरण में, जो इस बात का उदाहरण है कि विरल पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए हर भारतीय तक विकास कैसे पहुंचाया जाए ताकि देश के हर क्षेत्र का विकास हो।